हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में छोटा सा बेल आइकन उसको प्रेस करना ना भूलें। अभी हम आए हैं मॉर्निंग वॉक पे। मैं आपको सुबह सुबह का टाइम दिखाती हूँ, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। यहाँ पे सूर्य भगवान जी भी दिख रहे हैं। अभी मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ। वहाँ पर मेरा बेटा रनिंग कर रहा है और यहाँ पर कितनी शांति है पूरे ग्राउंड में। और वहाँ पर सूर्य भगवान जी के दर्शन करने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मेरा बेटा सैर कर रहा है, सॉरी रनिंग कर रहा है। अकेडमी जाता है ना खेलने के लिए, तो वहाँ के सर ने बोला है कि सुबह सुबह रनिंग करना चाहिए। तो अभी 3-4 दिन से मौसम थोड़ा ख़राब था, तो उस वजह से हम आए नहीं मॉर्निंग वॉक के लिए। आज मौसम सही है, तो फिर हमने सोचा कि चलो मॉर्निंग वॉक करने चलते हैं आज। तो मैं और मेरा बेटा आए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। बहुत सारे जन यहाँ पर सैर करते, अब तो 5:45 हो गए हैं, सब लोग कम हो गए। तो यहाँ पे सुबह के 4 बजे से सुबह के 5:30 बजे तक काफ़ी भीड़ रहती है मॉर्निंग वॉक करने वालों की। मेरा बेटा एक्सरसाइज करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ के एनवायरनमेंट देखो, इस ग्राउंड में भी कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही है। दूसरे जो उधर वाला जो ग्राउंड है ना, वहाँ पे बहुत सारे जने हैं। A few minutes later. हेलो फ्रेंड्स, मैं मॉर्निंग वॉक करके आ गई हूँ। 5 मिनट रेस्ट किया था, फिर अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6:30। अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने, साथ में आज मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो मैंने मशीन तो मैंने लगा दी है, मशीन मेरी लग चुकी है। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। पति देव जी ने गर्म पानी का ऑर्डर दिया है, अब उनके लिए गर्म पानी करना पड़ेगा। गर्म पानी पतिदेव जी के लिए, देने जा रही हूँ। बेटा पढ़ाई कर रहा है, सुबह सुबह की पढ़ाई अच्छी होती है करनी। जाएगा ये तो शायद टेस्ट वेस्ट होगा इसका, तो पढ़ रहा होगा। और यहाँ पे देखो हो रखा है, कल आंधी आई थी तो उस वजह से पूरा फर्श की ऐसी की तैसी हो गई है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद दिखाती हूँ कितना नीट हो जाएगा। इधर मेरी मशीन लगी हुई है, पहले यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू, फिर मशीन का पानी निकालूंगी यहाँ पे। ये देखिएगा, इस पूरा नीट कर दिया मैंने। बहुत गंदा हो रहा था, धूल यहाँ की धूल सारी अंदर आती थी, इसमें से मैंने पूरा धो दिया, इसको साफ़ कर दिया। कपड़े भी मेरे धुल गए हैं, मैंने चेयर पे रख दिए कपड़े अपने। अब मैं जा रही हूँ शावर लेने, काम मेरा हो गया है सारा। शावर लेने का पूजा करने के बाद फिर करेंगे नाश्ते की तैयारी। काम सारा फिनिश हो गया मेरा, अब जा रही हूँ शावल लेने। शावल लेने के बाद पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद पूछेंगे क्या बनाना है नाश्ते में। बेटा तभी जाएगा ट्यूशन, गुड़िया सो रही है अभी मेरी। डन हो गई है मेरी, अब मैं अपनी गुड़िया को उठाऊंगी। मेरी गुड़िया देखो कितने मज़े से सो रही है। घर का सारा काम मेरा फिनिश हो गया है, अब मैं गुड़िया को उठाती हूँ। बेटा गया ट्यूशन पढ़ने, अब वो ट्यूशन से आएगा, उससे पूछेंगे नाश्ते में क्या खाओगे, तब बनाऊँगी नाश्ता। 9 बजे तक आ जाएगा, 9:30 तक की नाश्ता करते हैं हम। अभी गुड़िया भी सो रही है, ये देखो मेरी गुड़िया इतने मज़े से सो रही है। अब इसको उठाते हैं, देखना उठाने में कितने नखरे मारती है, कितने नखरे मारती है ये। पीहू पीहू, देखो देखो उठ जाओ उठ जाओ पीहू। सुबह सुबह नहीं उठती है,
उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। देखो कितने नखरे मारती उठने में, उठ जाओ। ये देखो जल्दी नहीं उठती। ओहो फिर सो गई, करवट ले लिया उधर को। बच्चों की नींद मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा होती है, मॉर्निंग में बच्चे को बहुत लेट से उठते हैं, बहुत गहरी नींद में सोते हैं मॉर्निंग में बच्चे, रात को लेट सोती है, 12, 12:30, 1 बजे तक सोती है, सुबह लेट उठती है। रात को हमारी नींद ख़राब करेगी, सुबह देखो कितने मज़े सो रही है, उठती नहीं है जल्दी। पीहू देखो मेरा बेटा उठ गया, मेरा बेटा मेरे पास आया, देखो ए मेरा बेटा उठ गया, ये देखो आ गया मेरे पास, आ गया मेरे पास मेरा बेटा, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, देखो देखो अब ऐसे चिपकेगा मेरा। देखो उधर हेलो बोलो, पहले पहले उधर हेलो बोलो, सबको पहले हेलो, अब ऐसे मेरा बेटा। चुप चुप, क्या हुआ बता, ऐसे ऐसे रहता है। ये देखो फ्रेंड नहा के आई है, ये भी नहलाया इसको मैंने, तो कह रही है चाय बनाओ मेरे लिए, यहाँ बैठ गई है, मुझे यहाँ बिठाओ चाय बनाओ, अब इसके सामने चाय बनानी पड़ेगी, हालांकि मैं इसको चाय नहीं देती हूँ, दूध देती हूँ, तो दूध को ये चाय बोल देती है। मम्मी बाबू, हाँ बाबू बाबू, इसको लग गई है भूख, अब इसके लिए पराठा बनाएंगे और चाय बनाएंगे, हाँ चाय पिएगी, देखो बोल रही है चाय बनाओ। क्या चाहिए आपको? चाय चाहिए। ऐसी है, बच्चों की डिमांड भी पूरी करनी पड़ती है। चाय पापा को बुला रही है अपने, कह रही कहाँ गए कहाँ गए, ये देखो पापा को, पापा नहीं बोल रही, अरे कहाँ गए पापा, जोर से बोलो ना पापा, बोलो कहाँ गए पापा, नहीं बोल रही कहाँ गए, बच्चों के मन में जो होता है वही बोलते हैं बच्चे। मैं अपने बाबू के लिए बनाऊंगी नमक का पराठा, नमक का पराठे, ये सिंपल पराठा नहीं खाती, जैसे मेरा नमक का पराठा नहीं खाती है, इसको नमक का पराठा ही चाहिए, अजवाइन और नमक डाल के तो ही खाएगी, अगर सिंपल बना दो तो सिंपल ही खाएगी। पराठा में नमक का थोड़ा टेस्ट आना चाहिए और अजवाइन इसको चाहिए, तो इसके लिए आज पीहू की फरमाइश का नाश्ता है। पापा न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं आपके, ऐसे चिल्लाती है जो जोर से पापा को बुला रही है, पापा बोल लो, नहीं पापा नहीं बोलेगी, कहाँ गए बोल रही है। देखो जब तक इसको नहीं दूंगे नाश्ता तब तक यहीं बैठी रहेगी। आलू का पराठा देसी घी में, ये नाश्ता करेगी,
नाश्ता रेडी है मेरी बाबू का, अब मैं इसको दे रही हूँ नाश्ता। चलो नाश्ता करेंगे, चलो नाश्ता कर रही है पीहू। चेयर चाहिए इसको, इसकी चेयर वहाँ पे है। आपकी चेयर कहाँ है? हाँ देखो अपनी चेयर में बैठेगी, बच्चों का नाटक कम नहीं होते। ये देखो अपनी चेयर में बैठ गई है पीहू मेरी, अब नाश्ता करेगी। ये हमारे आंधी में जो आम गिर गए थे इसको हम कारपेट से पकाएंगे, बहुत सारे आम गिर गए थे। कुछ ख़राब हो गए थे आम, गिर के टूट गए थे, फट गए थे, तो इसको हम सुखा के इसका आमचूर पाउडर बना लेंगे। अब इसको धूप में रखेंगे। पतिदेव जी आम पकाने की तैयारी कर रहे हैं, ये देखिए इसमें हम आम रखेंगे। ये देखिए गाइस कितने सारे आम हैं, अब इसको पकाएंगे फिर मज़े से हम खाएंगे। पीयू आम खाओगे? नहीं नहीं खाएगी पीयू। मैंगो खाओगे? नहीं नहीं मैंगो नहीं खाएगी। चाय पराठा इसका तैयार है, पीहू को तो नाश्ता दे दिया मैंने, अब वो नाश्ता कर रही है। उसको नहा के तुरंत चाहिए नाश्ता, तुरंत, बस जैसे नहा के निकलेगी बस उसके मुंह में नाश्ता होना चाहिए, ना बनाओ ना तो बहुत गुस्सा करती है। A few minutes later. क्रिकेट वाली बॉल है, हैवी बॉल है, देखो इसके बाद हल्की बॉल है, हल्की बॉल से नहीं खेल रही। इसके हाथ लग गई तो खेलना, तो खेलना है। ये देखो कैसे खेल रही है भैया के साथ, ये देखो कितनी कितनी शरारती है, देखो कितनी जोर से मारेगी। ये देखो अभी हल्के से मारा, आवाज़ से पता चल रहा होगा कितनी हैवी बॉल है, देखो कितनी कट कट की आवाज़ आ रही है इसकी बॉल की। ये देखो गुस्सा इसके अंदर, ऐसे ही ऐसे ही करती है नाटक सारा दिन, ऐसे ही इसका नाटक रहता है। अब दे दो इसको, देखो दोनों बॉल चाहिए इसको, दोनों बॉल चाहिए, खेलो बेटा। ए देखो 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 मानते नहीं है बच्चे, बहुत जिद्दी होते हैं। एकेडमी जाते हैं, देखो एकेडमी का बैग है वो उसका, ये एकेडमी जाता है क्रिकेट खेलने, तो एकेडमी की ही बॉल है इसकी। कैसे रोती है, नहीं कैसे रोती है, ये कैसे रो रही है, देखो ऐसे रोती है ये कैसे रो रही है, इसको बॉल चाहिए, बॉल चाहिए इसको बाबू को। ये देखो नहीं चाहिए ये वाली बॉल, नहीं चाहिए वो हैवी वाली बॉल चाहिए, वो देखो बॉल उधर गई। आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में शेयर भी करें, साइड में छोटा सा बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए टॉपिक के साथ।